हमारे खिलाड़ी जो हैं वो डी में उनका जो कन्वर्जन रेट है वो बहुत लो है। तो यहाँ इस टीम के लिए इम्पॉर्टेंट है कि इनकी जो फर्स्ट टाइम पासिस और बॉल कंट्रोल और रिसेप्शन ऑफ द बॉल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। वेरी गुड। हाँ जी पीर साहब, आप बताएं। नसीर साहब, मुझे तो पुरानी, मेरा ख्याल है 70s और 90s के दरमियान की हॉकी याद आ गई। बर्सा भी उसी ज़माने के थे। बिल्कुल सही कहा है मेरे बाकी कॉलर ने कि इन्होंने जो पहले तीन हाफ थे ऊपर इनका बड़ा कम्बिनेशन लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था देखने, लेकिन जब लास्ट जब हाफ हुआ ना तो लंबे लंबे स्कूप नज़र आए दोनों टीमों की तरफ, क्योंकि मैं कैनेडियन एंड पे था, मैंने उधर भी शॉर्ट आउट के देखा मैनेजर वगैरह को वो लंबे लंबे, लेकिन आजकल क्योंकि ज़माना शॉर्ट पास का नहीं है, लॉन्ग पास का है, लेकिन पाकिस्तानी टीम से ना गेम कंट्रोल नहीं हुई। ये अब अगली टीमों में इनको गेम को कंट्रोल या इनके बॉल को कंट्रोल करना और डी तक जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन डी के साथ फिनिश करना, उसको फोटो फिनिश जैसे फोटो फिनिश करना वो हमारे बस की बात नहीं नजर आई। एक बात इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो क्रंच टाइम होता है ना वो होता है जब आप गोल पे ट्राई करने वाले होते हैं, उस वक्त सबसे ज़्यादा आपके नर्व्स काम आते हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमारा खिलाड़ी गेंद लेके गया है और अगर वो चाहता तो थोड़ा सा गेंद को अगर वो उछाल देता तो गोलकीपर के ऊपर से गुजर जाता, लेकिन वो जो क्रंच टाइम था ना वहाँ वो नर्वस हो गया और वो प्रॉपरली डिलीवर नहीं कर सका। तो भरता आपका थोड़ा सा और तजिया चाहिए हमें, आप ये बताएं कि टीम को जो हमारा प्रोग्राम देखेंगे वो किसी जरिए से ऐसा पैगाम पहुँचे इन्हें जो आप कहना चाह रहे हैं कि भाई अपनी फिटनेस पर ज़्यादा जोर दें। मसला ये है कि हमें वी लैक द इनकरेजमेंट। आप देख लें कितनी पब्लिक है, पर मैं मेजॉरिटी इंडियन सरदार जी थे जी, अपने पाकिस्तान लोगों से क्या क्या के बात कर कर के हर बंदे के पास कोई ना कोई ऐसा वैलिड बहाना था कि यू कैन आस्क हिम टू कम अप देयर, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। इनकरेजमेंट फिर यह है कि हमारी प्लेयर्स की फिजीक पाकिस्तान में भी देख लें, lack of cooperation, lack of organization, lack of money, the biggest I always said funding, lack of funding, lack of funding, yeah, this is the biggest, yahan dekh le, yahan bachche hain, distribution of the funding, yahan wo education mein bhi yahi hai, sports mein bhi yahi hai, to chhod de, yahan humne kitna cooperate kiya hai, yeah, bilkul humne itne mukhayyar hazrat hain, hai ko 10-12,000 dollar ka dinner karke जमा करके बच्चों को देते हैं, बच्चों को ताकि पाकिस्तान करें, वो तो बेचारे आम से मेरे जैसे घरों से आए हैं, कॉर्पोरेशन देखने गया कि $25 के डिनर पे हम लोगों हाल नहीं भर सके। बिल्कुल, मैंने कहा भाई $100 का डिनर करना, तो मुझे मेरा मुंह देख रहा था, व्हाट आर यू सेइंग, मैंने कहा $10,000 इकट्ठा करके बेचारों को दो। जी नाज़रीन, या भट्ट साहब की बातें बहुत सही करते हैं और इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि कुछ फंडिंग जमा हो और यहाँ पे भी हॉकी जो हो रही है या जो गेस्ट आए हैं उनको यहाँ पे अच्छे ऑनरेबल तरीके से उन्हें रिसीव करना चाहिए था। और जी आप बताइए, चाहिए कि हमारे इधर बहुत बड़ी कम्युनिटी है पाकिस्तानी कम्युनिटी, जी उनको चाहिए कि नेक्स्ट मैचेस में आए, हाँ, और प्लेयर जो है वो जस्ट फील लाइक होम, ताकि उनको क्राउड को पता लगे, क्राउड की वजह से पता लगे कि भाई हमारे इधर कोई हैं, ताकि वो और कोशिश करें डिलीवर करने की। बिल्कुल, और यही हुआ है कि चीयर अप नहीं था ज़्यादा, तो बहरहाल हमने कोशिश की है, हमारे साथ आप लोग आए हुए हैं तो, लेकिन उम्मीद का दामन नहीं हाथ से छोड़ना चाहिए, कोई बात नहीं, जीत हार तो होती है, लेकिन ये है कि हमें भी उनको भी बाहर आके मज़ा आया, फर्स्ट टाइम दे केम इन कनाडा, तो कोई बात नहीं, हमें उम्मीद रखनी ओके, फिर देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान, थैंक यू।